दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी शॉप के अंदर लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ चांदी का सारा सामान, छोटे से लेकर बड़े तक यहाँ पर सब मिलेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं चांदी की गाय, ये चांदी का आपको मिल जाएगा गधा, चांदी का झूला और चांदी का हर एक सामान जो कुछ भी आपको चाहिए हो घर बैठे दे देंगे। आगे की तरफ में आए एक बार प्लीज, यहाँ की तरफ में आए। और जहाँ पर मैं लेकर आया हूँ भैया, हर एक आइटम आपको मिल जाएगा, बड़ी से बड़ी मूर्ति, छोटी से छोटी मूर्ति और मात्र 1 ग्राम का आइटम भी आप इनके पास यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक से एक आइटम दिखाया है, जिस आइटम को आप अपने घर बैठे ही मंगा सकते हैं, शॉप पे आकर भी ले सकते हैं और अगर इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने, इस वीडियो के अंदर मैंने सारी जानकारी दी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप सभी के। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केमचो, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं विराज एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल सेनेस ऑफ व्लॉग्स के ऊपर और मुझे देखने वाले मेरे सभी व्यूअर्स को हाथ जोड़ के राम राम भी। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी शॉप के अंदर जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारा का सारा टॉप रियल के अंदर में चांदी का सामान। आपको कुछ भी सामान चाहिए भैया इनके पास मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक गधा है, प्योर चांदी का, हाथी मिल जाएंगे, माता की मूर्ति मिल जाएगी और देखिए ये है फ़ोन, बड़ा एंटिक फ़ोन है और ये वर्किंग रियल चांदी के अंदर में। जिनके पास में मैं लेकर आया हूँ इनके पास में आपको आपके घर के लिए चाहे बर्तन चाहिए हो, बोतल चाहिए हो, गिलास चाहिए हो, चांदी के अंदर कोई सी भी ज्वेलरी चाहिए हो इनके पास में मिल जाएगी। एक बार मुलाकात कराता हूँ यहाँ के स्टाफ से जो आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक बार अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम हिना है। हिना मैम जरा बताएं अपनी शॉप का नाम क्या रहने वाला है, एक बार अपनी शॉप का नाम बताएं। शोरूम का नाम श्वेता ऑर्नामेंट्स है। श्वेता ऑर्नामेंट्स से शॉप का नाम रहने वाला है और अपने पास में क्या क्या चीजें मिल जाती है? हमारे पास आपको एक पिन से लेके यानी एक सुई से लेके बड़ी से बड़ी जो आइटम आप कहोगे मूर्ति चांदी के अंदर में, चांदी के अंदर क्या मिलेगा एक बार पकड़िएगा प्लीज इसको। दोस्तों इनके पास में आपको हर एक आइटम दे देंगे। क्या घर बैठे भी दे देते हैं क्या सामान आप? सारा थोड़ी सी पास है भैया, क्या घर बैठे भी दे देंगे सारा सामान? घर बैठे दे देते हैं लेकिन उसका ऑर्डर मिनिमम 50,000 का रहता है। घर बैठे भी आप इनसे माल मंगा सकते हो लेकिन जो मिनिमम क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी इनकी 50,000 रुपीज। और हर एक आइटम इनके पास में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इनकी साइज दिखाई है, काफी बड़ा इनका शोरूम रहने वाला है। एक बार आगे की तरफ आए प्लीज, इधर की तरफ आए मैम। इनके पास में से अगर आप चाहें, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से शादी का कार्ड तक आप इनसे मंगवा सकते हैं, बनवा सकता है कोई अगर ऑर्डर देता है तो आप ऑर्डर आप बनवा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है भैया, अगर आप देना चाहें कोई रॉयल वेडिंग करना चाहे तो भैया रॉयल कार्ड भी चल सकता है। और यहाँ की तरफ में आप देखेंगे बर्तन रखे और थोड़ी सी यहाँ की तरफ में आए, थोड़ी सी आगे की तरफ में आए। इनके पास में कुछ आपको इनको क्या नाम बताया आपने? इटालियन पायल इटालियन चांदी कुछ ऐसे कुछ बताया था मेरे ख्याल से नाम इनका, जो कि बैंकॉक से आते हैं इटालियन चांदी। थोड़ी सी पास आओ भैया, थोड़ी सी पास आओ भैया। ये वो आइटम है जो कभी भी काले नहीं पड़ते, ये कहते हैं क्योंकि आप सबको पता है भैया चांदी जो है काली पड़ जाती है लेकिन अपने पास के जो ये आइटम है कभी काली नहीं पड़ेंगे, कभी काली नहीं होती। ये इसको आप रेगुलर डेली यूजेस के अंदर में पहन सकते हैं और इनके पास में आपको हर आइटम मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह के ये सब चांदी के कड़े रहने वाले हैं, सब इटालियन कड़े हैं, इटालियन कड़े, फैंसी कड़े और भैया बहुत सुंदर लगते हैं जब भी कोई पहनता है तो इनके पास में से। और हर एक आइटम जैसे कि आप देखेंगे आपको कड़ी घड़ी चाहिए हो, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायमंड स्टाइल के अंदर प्योर चांदी के अंदर रहने वाले। इस वीडियो के अंदर मैंने नाना करते हुए कम से कम मेरे ख्याल से 400-500 आइटम तो दिखाए होंगे आपके भैया इतने भी है। और अभी काफी सारे आइटम्स इनके पास में रहते भी हैं। इनके पास में जैसे कि आप देखिए, देखिए कुछ इस तरीके से चांदी की मूर्तियां मिल जाती है। ये क्या बोलते हैं आपने बताया था इसका? शीट वाली मूर्ति कहते हैं किसी को भैया। होलो मूर्ति है, ये कुछ इस तरह की होलोग्राम वाली मूर्ति चाहिए हो, ये कुछ इस तरीके से मिल जाती है। और थोड़ी सी पीछे की तरफ जाए भैया, एक बार थोड़ी सी पीछे की तरफ जाए। ये जो पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं ना ये सारे चांदी का ही सामान इनके पास में रखा हुआ है। साथ ही साथ में देखेंगे इनके पास में कुछ इस तरह के चांदी के मिल जाते हैं, सहरे, मुकुट बोल लो, सहरा बोल लो, कुछ भी बोल लो, हर आइटम इनके पास में मिल जाता है। और यहाँ की तरफ देखेंगे चांदी के बर्तन रखे हुए सारे सारे ये। जी बिल्कुल, चांदी के बर्तन है सारे ऊपर। अगर दोस्तों आप इनके पास से कुछ भी मंगाना चाहते तो एक बार आप इनकी शॉप के ऊपर आएंगे तो इनके पास में आपको हर आइटम मिल जाएगा। वहाँ की तरफ देखेंगे चांदी की जूतियाँ तक रखी हुई है, मतलब आपको चांदी के अंदर जो कुछ भी आप आइटम सोच सकते हैं वो आइटम आपको इनके पास में मिलने वाला है। जैसे कि देख पा रहे लैंप है, ये काफी चिपकाया हुआ है, रंध रंध चिपकाया हुआ है, खेलो उखाड़ दिया भैया खेलो। ये चांदी का लैंप भी मिल जाएगा, चिपका हुआ था उखड़ गया और ये बहुत प्यार लगता है। ये यूजेबल है, इसमें आपने देखा बल्ब भी लगवा रखा है। ये भैया बल्ब भी लगा रखा है, इसे अपने घर के अंदर आप यूज भी कर सकते हैं। हर एक आइटम जो कुछ भी आपको चाहिए इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने दिखाया है, अपने घर बैठे मंगा सकते हो। सिंगल पीस नहीं मिलेगा, सिंगल पीस के लिए
आपको इनकी शॉप के ऊपर आना पड़ेगा, हर एक आइटम दे देंगे, सही कह रहा हूँ मैं? ओनली चांदी के अंदर ही डील करते हैं, सारा चांदी में। तकरीबन कितने सालों से अपनी ये शॉप चल रही है, एक बार जरा बताएंगे प्लीज? हमारी काफी साल, काफी इयर्स हो गए, काफी टाइम हो गया। नई ब्रांच खुली है, इसको भी 5 साल हो चुके हैं भैया। नई ब्रांच बता रहे हैं, 5 साल हो चुके हैं। जैसे की ये ऑक्सीडाइज के अंदर है ये? जी बिल्कुल, खाली पड़ गई है, नहीं ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज के अंदर है भैया। जैसे की देख रहे हो चांदी के कह रहे हैं, खाली पड़ेगी, काफी हैवी पीस है भैया, काफी हैवी पीस है। और इनके पास में इनके जैसे बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे तो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है, एक से एक आइटम इनके पास में मिल जाता है। मैं आप सबसे कहूंगा भैया एक बार इनकी शॉप के ऊपर आओ, शॉप के ऊपर आकर के विजिट करो, अपनी आंखों से अपने हाथों में सामान लेकर के देखो, प्राइस आपको सही लगता है लो, नहीं लगता मत लो, सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल। ये जिस मार्केट में मैं लेकर आया हूँ, ये है चांदी सोने की डायमंड तक की होलसेल मार्केट, जहाँ पर आपको मार्केट से सस्ते रेटों के अंदर मिलता है, लेकिन फिर भी एक बार आप आए आकर के देखें, कंपेयर करें फिर ले, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। अब देखना स्टार्ट करते हैं पूरी की पूरी वीडियो, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इतने प्यारे प्यारे आइटम दिखाए हैं, आपको मजा आ जाएगा, हर एक आइटम दिखाया है। प्राइस के लिए इनको कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको फोन पर दे देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर। सबसे पहला आइटम क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को आप? सबसे फर्स्ट आइटम मैं आपको पायल से स्टार्टिंग करूंगी, मैं पायल दिखाऊंगी अपने शोरूम। ओके दिखाएं, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये आई वाला पैटर्न अभी काफी चल रहा है, काफी डिमांडिंग में। थोड़ी सी यहाँ की तरफ करें प्लीज, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्या कॉस्टिंग रहती है, क्या कॉस्टिंग भी बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? कॉस्टिंग सर चांदी के रेट पे डिपेंड करती है, अब आज अगर मैं कुछ बता दूं आप कल को आके हमसे कहेंगे कि हफ्ते तो वीडियो में ये बताया था, आज आप ये बता रहे हो, इसलिए कॉस्टिंग जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है आगे चलते हैं, आगे दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। इसके अंदर डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे? यस डिजाइन वेरायटी आपको बहुत सारे मिलेगी, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे मिलेंगे हमारे पास। ये देखिए आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर लाइट वेट में एंकलेट पैटर्न है, कॉलेज जाने वाली गर्ल्स के लिए, घर में रहने वाली लेडीज के लिए काफी अच्छी आइटम होती है ये वाली। बहुत बढ़िया, क्या कोई यहाँ पर आकर के इनको सिंगल भी खरीद सकता है क्या? जी बिल्कुल, हमारे पास आप सिंगल भेज भी दोगे? सिंगल घर पे नहीं भेजेंगे, घर के लिए ऑर्डर अगर आप करते हो घर बैठे तो मिनिमम ऑर्डर 50,000 का रहता है। ओके। अगर आप यहाँ पे आके लेते हैं तो हमारे पास एक पीस भी ले सकते हैं, यहाँ से आकर के एक पीस भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या दिखाएंगे? आगे मैं कुछ आपको ये कड़ा पैटर्न दिखाना चाहूंगी, ये देखिए हाफ कड़ा है और हाफ इसमें चैन लगी हुई है। ओके आप जैसे इसको पहनना चाहें वैसे पहन सकते हैं, कड़ा पायल पैटर्न भी है, पायल पैटर्न भी है, 2-in-1 है। बहुत बढ़िया, आगे की तरफ में चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बारात पायल है, ये है कौन सी पायल बोलते हैं? बारात पायल बोलते हैं, वेडिंग कलेक्शन के हिसाब से है। ओके इसमें आपको डिजाइन और वेरायटी बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं इसमें डोली, किसी में डोली बनी आएगी आपको, किसी में दुल्हा दुल्हन मिलेंगे, कुंदन का वर्क साथ में हमने करवा रखा है। बहुत और ये चैन भी काफी मजबूत रहती है। जी आगे चलते हैं, आगे देखें यहाँ पे, ये देखिए कुछ फैंसी पायल यहाँ पे मैंने रखी हुई है, ये देखिए। ओके ये इनकी कॉस्टिंग तकरीबन क्या बैठती होगी आपके हिसाब से, कुछ बता सकते हैं ऐसा कुछ आइडिया हमारे व्यूअर्स को दे सके? आइडिया भैया वेट के हिसाब से दिया जाता है, जैसे अभी आपकी 200 से 250 ग्राम के आसपास की है जी, तो ये आपकी कोई 17,000 होगी, कोई 18,000 होगी, तो अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग हमारे पास रेट होते हैं। बहुत सही जी मैम, आगे चलते हैं, आगे दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। आगे ये देखिए यहाँ पे भी कुछ पहने पायलें रखी हुई है, ये देखिए आपको आप मीना का इसमें काम देख सकते हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ हमने करवा रखा है, प्लस इसमें कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे मिल जाएंगे हमारे पास। बहुत बढ़िया, और इसके अंदर डिजाइनिंग दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिजाइनिंग इनके पास में आपको काफी सारी मिल जाएगी, और ये ऊपर की तरफ में भी ये इसी तरीके से रहने वाले जैसे कि आप देख सकते हैं। सबके अंदर में कम से कम 10-10 पीस डिजाइनिंग मिल जाती है अपने पास में? हमारे हर बॉक्स में अलग अलग वेरायटी रहती है, हर बॉक्स में एक पायल का एक डिजाइन हमारे पास मिल जाता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, आगे की तरफ में चलते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी पायल लग रही है, मोर का मोर पंख स्टाइल के अंदर में पूरी की पूरी, बहुत बढ़िया। और इनका जो वेट रहेगा प्राइस के हिसाब से, इनका मतलब वेट के हिसाब से प्राइस रहेगा इनका? बिल्कुल। सो आगे की तरफ में चलते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनके पास में डिजाइनिंग क्वालिटी बहुत सारी मिल जाती है। अब ये क्या चीज़ है मैम, ये हल्के में थोड़ी सी है? जी ये वही फैंसी पैटर्न हमने थोड़ा सा हल्के में करवा रखा है, ये भी मोर के कास्टिंग के पीस लगा रखे हैं यहाँ देखिए। जी बिल्कुल, और एक ये देखेंगे ये काफी प्यारी लग रही है, ये भी पायल ही है, ये देखिए, ये जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं काफी सुंदर मिल रही है, कुछ इस तरीके से रहेगी, निकाल लीजिए प्लीज। ये देखिए कितनी सुंदर दोस्तों इसकी लुक यहाँ पर आपको मिलने वाली है, बहुत ही बढ़िया, ब्रॉच बहुत ही ऑक्सीडाइज करा हुआ और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ है। साइड में देखिए ये चैन आएंगी, बिल्कुल, और ये घुंघरू है लेकिन ये बजेंगे नहीं, ये देखिए ये बजेंगे नहीं, ये क्या बात है, बहुत सही। ये जैसे कि इनके पास में मतलब डिजाइनिंग क्वालिटी तो बहुत सारी रहने वाली है इस बार अपने पास में। आई की तरफ में चलता है, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं इनके पास में जो बेसिकली जो काम है
मैक्सिमम आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इसी तरह की चांदी के अंदर में कुछ भी आपको आइटम चाहिए हो वो सारा का सारा इनके पास में आपको आइटम मिल जाएगा। इसके ऊपर आते हैं मैम, इनके बारे में बताते हैं जरा। ये आप देख सकते हैं रजवाड़ा पैटर्न की पायल है। ओके, यहाँ पे चेनों का काम कर रखा है, बीच बीच में आपको तोता मैना दे रखा है, देखिए बहुत ही सुंदर लुक देखेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये आपको कैमरे में ऐसा लग रहा हो लेकिन जब आप रियल के अंदर दोस्तों इनकी शॉप के ऊपर आकर के देखेंगे, ये इसको अपने घर बैठे मंगवाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये ट्रेडिशनल जो आज की डेट के अंदर हर घरों के अंदर में पहनी जाती है कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी, और ये मार्केट के हिसाब से काफी सस्ती चांदी रहने वाली है, मतलब वही सेम प्राइस रहेगा? नहीं नहीं भैया, सेम नहीं रहेगा, होलसेल का रेट लगेगा आपको। ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लुक वाइज यहाँ पर जैसी मर्जी आपको चाहिए हो उस तरीके से आपको मिलने वाली है। ये भी बहुत, जैसे कि आप देख पा रहे हो डिजाइनिंग क्वालिटी तो बहुत सारी आ चुकी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है, ये भी पायल में ही आती है जी बिल्कुल, ये कड़ा पायल है ये देखिए। ओके, दिखाएं प्लीज दोस्तों, कुछ इस तरीके से कड़ा पायल रहेगी आपके लिए और यहाँ से ओपन रहेगा आपका, ये बहुत बढ़िया देखिए। और क्वालिटी आप देख सकते हैं, मीने की स्टोन की, सारे स्टडेड स्टोन है आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। और इसके अंदर में ये कुछ इस तरीके की जो ये क्या है, ये चैन पैटर्न टाइप है कुछ, ये नहीं नहीं ये ऑक्सीडाइज में कड़ा पायल है, ये देखिए घुंघरू वाली, ये देखिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं, काफी गर्ल्स इस तरह की चांदी की पायल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं राजस्थानी कड़ा पायल जी, क्या बात, बहुत ही सुंदर लग रही है जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं। और मार्केट से दोस्तों ये कह रहे हैं कि इनके पास जो चांदी रहेगी वो बहुत ही कम प्राइस के अंदर रहने वाली है। ये कैसी है, ये कुछ अलग ही है, ये ओवल शेप में कड़ा पायल है देखिए। ओके, बहुत बढ़िया, फिरोजा का काम कर रखा है, फिरोजा स्टोन लगा रखा है इसके अंदर। पायल पायल के अंदर कम से कम होगी अपने पास 50-100 वैरायटी में भी, ज्यादा उससे भी ज्यादा जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैम बता दी कि कोई लिमिट नहीं है इनके पास में, इतने डिजाइन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको ऑक्सीडाइज के साथ गोल्डन भी चाहिए तो हमारे पास गोल्डन में भी वैरायटी रहती है, बहुत यहाँ पे पीछे स्नीक पीछे चैन आएगी आपकी, ऐसी आएगी देखिए, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और दोस्तों इनके पास में जैसे कि आप देखेंगे, अब ये हम आ चुके हैं इस पे, हमें ये कैसा है बताएं कुछ इसके बारे में प्लीज जी, बताएं बोलिए जी मैम, इसके बारे में बता दीजिए प्लीज। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइज का फ्लावर हमने लगवा रखा है, ये देखिए बहुत प्यारी पायल है, साइड में चेन का लुक दे रखा है और साइड में भी आपको दो दो पीस ऑक्सीडाइज के मिलेंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये ऑक्सीडाइज मतलब कि जैसे कि ये थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप की जो लुक आ रही है जैसे कि, ओके इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइज। ओके, और जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं ये घुंघरू क्या है, ये पूरे में यहाँ पे घुंघरू है बट ये बसते नहीं है। ओके जी, और ये सारा दुल्हन पायल के पैटर्न से हमने बनवा रखा है। एक बार इसके यहाँ की तरफ देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर में इनके ये बारकोड वाला सिस्टम है पूरा पूरा इनके पास में जी, इसमें ग्रॉस वेट लिखा हुआ है 249, यानी आपका पन्नी के साथ वजन होगा, लेस वेट में आपका पन्नी का वजन लिखा हुआ है 25.90। ओके, और उसके बाद नेट वेट आपका चांदी का निकाल रखा है, यानी जो पायल हमारी वजन की 223 ग्राम की है। मतलब बनावटी का भी कुछ चार्ज रहता है, चांदी का प्राइस रहता है खाली, चांदी के प्राइस में भी होती है, चांदी से कम से भी होती, कम में भी होती है। ओके, बहुत बढ़िया, ये ऊपर की तरफ हम चल पा रहे हैं, इनके बारे में बता दे प्लीज कुछ हमारे व्यूअर्स को। देखिए यहाँ पे लाइट वेटेड पायल्स है, ये देखिए, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी काफी लाइट वेटेड है, ये देखिए लाइट वेट के अंदर में फुल फैंसी के अंदर में दोस्तों रहने वाली है जी। और ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये काफी भारी वाली जो होती है इस तरीके वाली भी, गिन्नी पैटर्न है ये देखिए, गिन्नी लगवा रखी है हमने। ओके, फुल घुंघरू में है, बीच में स्टोन भी आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया, साइड साइड में गिन्निया भी हैं, फ्लावर भी बनवा रखा है, ये देखिए डिजाइंस वैरायटी हमारे पास बहुत मिल जाएगी, एक बार जब तक आप विजिट नहीं करेंगे जब तक आप, हम आपको पूरी कलेक्शन नहीं दिखा पाएंगे। भैया लुक वाइज तो इनके पास में मतलब भरमार है, जैसे कि इन्होंने कहा अनलिमिटेड पैटर्न अनलिमिटेड डिजाइन इनके पास में है, और जैसा डिजाइन आप चाहे वैसा डिजाइन यहाँ पर ही आपको दे देंगे, सही कह रहा हूँ मैम मैं? बिल्कुल जी बिल्कुल भाई, ये जितनी भी आप देख रहे हैं एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक में सिर्फ और सिर्फ चांदी की पायल ही है। और ये भी कुछ सैंपल्स हमने लगवा रखे हैं क्योंकि हम आपको सारी चीजें एक वीडियो में नहीं दिखा सकते, अगर आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो पीछे देखिए सारी पायल, ये सारी सारी भैया पायल के ही डिजाइन है, हर बॉक्स के अंदर में दोस्तों बहुत सारी पायल रखी हुई है। यहाँ की तरफ से मैं कुछ आपको डिजाइन और दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ और आइटम दिखाते हैं। ये जैसे कुछ डायमंड टाइप की पायल हम देख पा रहे हैं, इसके बारे में बता दे प्लीज। ये फुल स्टोन वाली पायल है जी, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे अपने डायमंड पहना हुआ है पैरों के अंदर, बिल्कुल देखिए। इसमें आपको कलर वेराइटी कलर बहुत सारे मिल जाएंगे, पिंक मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, बहुत कलर कॉम्बिनेशन काफी सारे मिल जाएंगे। ये जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अभी क्या दिखाएंगे मैं आप हमारे व्यूअर्स को, जैसे कि हमने चांदी की पायल आपकी बहुत सारी देखी, इसके आगे क्या दिखाएंगे? इसके बाद मैं कुछ फैंसी आइटम दिखाऊंगी आपको, ब्रेसलेट दिखाऊंगी, जेंट्स के कड़े दिखाऊंगी। ओके,
अब मैं आपको दिखा रहा हूँ भैया कुछ इस तरह की, पहले छोटी पायल दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जेंट्स के कड़े। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारी क्वालिटी के अंदर मिल जाएंगे। सो मैम सबसे पहले एक बार ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ये क्या चीज है? ये एंकलेट पायल है, ये देखिए। ओके, कितनी प्यारी कितनी सुंदर लगी है, बहुत ही छोटी। और नीचे की तरफ भी रखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे कितनी प्यारी लुक इन सबकी आ रही है जी। और ये मेरे ख्याल से काफी सस्ते में रहती होगी जी। ऐसी ये काफी लाइट वेट रहती है, काफी हल्की रेंज में रहती है, बहुत बढ़िया। ये ब्रेसलेट है इन्हीं में देखिए। ओके, ये ब्रेसलेट है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मुझे लगा ये भी गले की माला टाइप कुछ है। नहीं नहीं, ये हाथों के ब्रेसलेट लेडीज के हैं, बहुत ही सुंदर। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये बच्चों की, क्या बोलते हैं इनको, बच्चे के कड़े हैं, बच्चों के कड़े हैं जो दोस्तों जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको कुछ इसी तरीके से पहनाए जाते हैं छोटे बच्चों को बिल्कुल ही। कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और मैरून का रहेगा बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर नजरिया ही पहनाया जाता है। बिल्कुल नजरिया टाइप ही बोलते हैं इसको। ओके, अगर फैंसी चाहिए तो फैंसी भी अवेलेबल रहेंगे ये दोस्तों। फैंसी के अंदर में भी आपको इनके पास में ब्रेसलेट कह कर ही पहना सकते हो, बच्चों को कड़े कह कर ही पहना सकते हो, अगर वन पीस पहनाना चाहो तो वो भी पहना सकते हो। ये दोनों पैटर्न यूज होते हैं, बहुत सुंदर। आगे की तरफ में चलते हैं, आगे की तरफ के अंदर देखना स्टार्ट करते हैं ये कड़े जी भैया। ये जेंट्स लोग हमारे भाई लोग बहुत पसंद करते हैं कुछ इस तरह के ब्रेसलेट इनके पास में दोस्तों आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैम इनके बारे में बताना स्टार्ट करें प्लीज। यहाँ पे ये आपको जैसे देख रहे हो ये गोल्डन लुक में है, और यहाँ पे त्रिशूल बना रखा है, और फैंसी है प्लस एडजस्टेबल है, यानी किसी को भी आ जाएगा। ओके, ये मैम काले तो नहीं पड़ते टाइम के साथ में? जी नहीं, ये काले नहीं पड़ेंगे जी, इनके ऊपर हमने पॉलिश करा के रोडियम पॉलिश करवा रखी है, जैसे है तैसे ही रहेंगे आपके। बहुत बड़े, जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं ये भी चांदी के अंदर में रहने वाले हैं, क्योंकि आजकल पता है आपको गोल्ड पहनना तो वैसे ही मुश्किल हो चुका है इतना। बिल्कुल 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 सही बात है। ये जैसे कि देख पा रहे 53,000 रुपए का आज डेट में गोल्ड हो रहा है वैसे तो जी बिल्कुल। एक ये देखिए कितने प्यारे कड़े हैं, ये कैसे दिए मैम अपने पास में? ये भी कड़े हैं, सिक्की कड़ा है, इसमें आपको पॉलिश दो मिल जाएगी, ये रोज गोल्ड पॉलिश मिल जाएगी, गोल्डन पॉलिश मिल जाएगी, यानी आप देख सकते हैं, आप देख के बता नहीं पाओगे कि ये चांदी का है या सोने का है। बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात है। और इनके पास में दोस्तों डिजाइनिंग की बात करी जाए तो भैया बहुत सारी और बहुत सारे डिजाइन के साथ में दे रहे हैं। ये आप देखिए देख सकते हैं ओम साई राम लिखा हुआ है, यानी भगवान के नाम के कड़े भी हमारे पास सारे अवेलेबल रहेंगे। ये सारे के सारे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इन कड़ों का क्या कीमत बता सकते हैं, ये तकरीबन कितने तक के में मिलेंगे अपने पास में? कीमत भैया 4-5 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है, बाकी वेट के ऊपर डिपेंड है, अगर आप लाइट वेट लेते हो तो और कम रेंज की आएगी, अगर आप हैवी लेते हो तो और ज्यादा रेंज की आएगी। बहुत बढ़िया, आगे की तरफ में चलते हैं, जैसे कि एक हम ये देख पा रहे हैं ये सब सिक्की कड़ा है, इसमें डिजाइनिंग आप देख सकते हैं सब अलग अलग है, बहुत ही सुंदर। और एक ये देखेंगे ये डिजाइन वाले कुछ, ये लेडीज के हैं, सिंगल हैंड का कड़ा है, गोल्डन प्लस रोडियम करवा रखा है, ये देखिए काफी अच्छा पैटर्न है, सिंगल हैंड वाले हैं, बहुत ही सुंदर मैम। और इनके अंदर डिजाइनिंग दोस्तों बहुत सारी मिल जाएगी आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग के अंदर में, एक जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं सभी जानते हैं कड़े के बारे में तो। जी जी बताएं बताएं, जानते हैं कि ये बाहुबली कड़ा है जो कि शंकर भगवान का प्रतीक बोला गया है। ओके, फैन उनके ज्यादा पहन सकते हैं बिल्कुल, जो कि उनको मानते हैं। ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये छोटे बच्चों के लिए मिल जाते हैं जी। जी बताएं इनके बारे में, बच्चे के कड़े हैं, जैसे आपने बड़ों पे देखे थे अभी सिक्की कड़ा, वैसे ही बच्चे का, ये देखिए बहुत ही सुंदर, यानी बच्चे से लेके बड़े तक के सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल रहती है। चाहे दोस्तों आपको एकदम मलके में चाहिए हो, चाहे आपको थोड़े भारी में चाहिए, जैसे कि ये देख पा रहे हैं इसके बारे में बता दें। ये आप देख रहे हैं सारा गोल्डन में, बस बीच में पाइप हमने चांदी की करवा रखी है, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे बड़ों के। ओके, और जैसे कि दोस्तों डिजाइनिंग क्वालिटी तो भैया इनके पास में हर कड़े के अंदर में बहुत सारी मिल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जैसा जिसका इतना इसका वजन रहेगा उसी के हिसाब से इसका प्राइस रहने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा हैवी के अंदर में, और ये भैया बहुत टाइट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं पहनता हूँ इस तरीके से, ये फुल टाइट वाला है, मतलब कई होते हैं चांदी वाले जो मुड़ जाते हैं हाथ में लेते ही, बहुत पतले चांदी के होते हैं, ये हैवी के अंदर में। ये देख पा रहे हैं ये कैसा है? ये लेडीज के ब्रेसलेट है, सिंगल हैंड वाला देखिए। ओके, आप इसे फिनिशिंग कटिंग देख सकते हैं, एक एक कटिंग आपको एक एक डिजाइन साफ साफ दिखेगा इसमें, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये भी जैसे कि स्टोन की वैरायटी अलग अलग रहेगी इसमें, आपको व्हाइट चाहिए व्हाइट मिल जाएगा, ब्लैक ब्लू ग्रीन जो आप कहोगे कलर इसमें सारे अवेलेबल रहेंगे, बहुत सुंदर। और एक ये देखिए दोस्तों लेडीज के अंदर में ही मोर स्टाइल के अंदर में कुछ मिलने वाले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये किस रेंज में मैम अपने पास में? ये आपका 2-2.5 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है, बहुत बढ़िया, वेट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहता है हमारे पास। एक जैसे कि दोस्तों आप ये दो देखेंगे, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद में एक ये आ जाता है, ये दो एंड के, दोनों हाथों के लेडीज के हैं, चूड़ी टाइप के, आप कड़े पहन घर में आराम से इसको पहन सकते हो, पार्टी में पहनना चाहो पार्टी में पहन सकते हो, इसमें भी आपको डिजाइनिंग अलग अलग मिलेगी, साइज अलग अलग मिलेंगे जैसा आप चाहो। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। और ये जैसे कि आप देखेंगे ये भी काफी प्यारे मिलने वाले हैं, मतलब भैया इनके पास में अथा डिजाइन अथा वैरायटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, वैरायटी की तो कोई कमी है ही नहीं, सही कह रहा हूँ मैम मैं? जी बिल्कुल। ये जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं काफी सुंदर ये इस तरीके से मिलने वाले हैं, ये देखिए
ये कुछ इनका एक्स्ट्रा प्राइस रहता है, वही सेम चांदी के प्राइस में रहने वाले हैं। बनाई का कुछ चार्जेस लेते हैं क्या मैं अपने पास में? ये जैसे कि एक आप देख पा रहे हैं, ये भी काफी प्यारा मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कटिंग करवा रखी है, आपको दूर से लगेगा कि स्टोन है बट ये स्टोन नहीं है, कटिंग करवा रखी है। कटिंग में आप देख सकते हैं इसमें कोई, ये भी लेडीज है जेंट्स है? ये सब लेडीज है, ये सब लेडीज रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया मैम, जैसे कि हमने अभी आपके कड़े दिखाए, आप कड़ों के बाद क्या दिखाएंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैं आपको कुछ एंटीक चीजें दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे ऐसे आइटम की भैया आपको मजा आ जाएगा, और ये आइटम आपको बहुत ही कम दूसरी जगहों पर देखने को मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो भैया बहुत कॉस्टली। मैं जहाँ पर लेकर आया हूँ भैया, ये होल सेल के अंदर में देने वाले हैं, और ये सारे के सारे आइटम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैम कहाँ से शुरुआत करें बताइए जरा? अब हम यहाँ से सुराई से शुरुआत करेंगे। सुराई, क्या बातचीत, ये देखो भैया सुराई, ये बहुत सारे आजकल के नए बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, इसको सुराई बोलते हैं जी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर मैम। और ये भी अपने पास में, ये सब किसी दोस्तों जो मिलेगा वेट के हिसाब से मिलेगा, जितना इसका वेट होगा और चांदी का जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे तकरीबन कितना परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है चांदी के ऊपर, कुछ बता सकते हैं? ये कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि तकरीबन कितना बाहर से कितना परसेंट मिल जाता है डिस्काउंट? से कम 15-20-25 अकॉर्डिंग टू आइटम रहता है। ओके, अकॉर्डिंग टू आइटम रहेगा कि मतलब चांदी के ऊपर में उतना रेट कम हो जाएगा। ओके, आगे की तरफ में चलते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं टेलीफोन है, पुराने जमाने का, आदम जी के जमाने का। बहुत बढ़िया, ये प्योर चांदी के अंदर में दोस्तों आपका रहने वाला है, सारा प्योर चांदी में, और ये यूजेबल है, ये ओके, ये यूजेबल है, ये दोस्तों ये यूजेबल है, सिर्फ शोपीस नहीं है चांदी का। इसके अंदर अपनी लाइन कनेक्ट करके आप इसको चला भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे दिखाएं। यहाँ पे ये कुछ जग के हम सेट है हमारे पास, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जग के सेट मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारी नक्काशी इसके ऊपर में की गई है। थोड़ा सा यहाँ की तरफ से भी दिखा देंगे प्लीज। ये जैसे कि देख पा रहे हैं पूरा का पूरा भैया रैप करके रखा हुआ है, जिससे कि बाहर की हवा जब जब चांदी के अंदर लगती है थोड़ी सी वो काली पड़ने का डर रहता है, इसलिए कह रहा हूँ जी बिल्कुल। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बाल्टी देखिए, अगर आप ये आइटम खोल के भी रखोगे ना तो ये लाइफ टाइम तक आपकी ऐसी ही रहेगी, ऐसी की ऐसी रहेगी। ओके, ये काली नहीं पड़ने वाली है, ये पहले से ही हमने काली ऑक्सीडाइज करवा रखी है। बहुत बढ़िया, पहले से ही काली करा रखी है, ज्यादा नहीं होगी। आगे चलते हैं। एक ये देखिए भैया, ये है पूजा थाली, ये भैया कुछ इस तरीके से काफी हमारी माताएं बहनें पूजा करते वक्त इसको इस्तेमाल करती होंगी, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस तरीके से देखने को आपको मिल रही है। साइड में आप देखोगे सारा मीना का काम, ये मीनाकारी का काम इसके साइड में क्या हुई है या फिर अलग से ही है? इसके अंदर पेच है। ओके ओके, खोल करके बहुत मिनट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, साथ में छोटे छोटे लोटे भी दे रखे हैं दोस्तों। प्राइस के लिए आपको इनको मैसेज करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, ये आपको सारी चीजों के प्राइस यहाँ पर मैं बता देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह से गिलास इनके पास में मिल जाएंगे, अलग अलग यूनिक स्टाइल्स के अंदर में। घंटी भी है, ये देखिए घंटी, वो भी बजने वाली है चांदी के अंदर में। आगे चलते हैं, आगे दिखाएं। एक ये देखो दोस्तों, रख सकते हैं इसमें आप। बहुत बड़े, इसमें अपने घर का सामान रखना हो तो इसके अंदर आप अपने घर का सामान रख सकते हैं। आपको इसको ओपन एक बार खोल करके दिखाते हैं, ये देखिए, ये इसकी लुक यहाँ से इस तरीके से अंदर से देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल छोटा कनस्तर है, छोटा कनस्तर है, इसमें साइज सारे मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप, इसकी नक्काशी देख सकते हो, राधे कृष्ण जी खड़े हुए पूरे साफ साफ आपको दिखेंगे। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा लग रही है। ये क्या है, नीचे वाला मुकुट है मंदिर नीचे की साइड में, ये सिंहासन, ये सिंहासन टाइप मिल जाएगा, क्या बात है। बहुत बढ़िया भैया, अपने लड्डू गोपाल जी इसके अंदर बिठा सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये क्या है, फाउंटेन, ये फाउंटेन, ये कनेक्ट होने वाला बिजली से चलता है, सारा यूजेबल है। देखो वायर दोस्तों, ऐसे कि आप देख पा रहे हैं यूजेबल है, इसके अंदर पानी डालोगे तो अपने आप ही पूरे दिन भर चलता रहेगा, बहुत ही सुंदर। आगे की तरफ में चलते हैं, इनके पास में और आइटम देख लेते हैं। एक ये देखिए डांसिंग डॉल, ये भी है स्टैचू टाइप, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये आपने वैसे देखे थे, आज मैं आपको रियल चांदी के अंदर में दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे थे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे, इसके अंदर में आपको पंचमुखी दिया इस तरीके से मिल जाएगा। अब आ जाते हैं भैया, ये कुछ इस तरीके से पर्सेस के अंदर में, ये पर्सेस की क्वालिटी आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर मिल रही है। ये क्या कड़ाई है इसके साथ में, क्या है ये, इसका पकड़ने का, ये क्लच वाले है ना, ये आपको क्लच दे रखा है पकड़ने के लिए, हैंड पर्स है ये सारे, ठीक है। बहुत ही सुंदर दोस्तों, जैसे कि आप देख छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक के सारे पर्स मिल जाएंगे, और प्लस इसमें डिजाइनिंग कार्विंग सबकी अलग अलग मिलेगी बिल्कुल। और ये लोटे मिल जाएंगे इनके पास में जल चढ़ाने के लिए, भैया बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अलग अलग। और ये देखिए छोटा हुक्का है, क्या चीज है ये हुक्का है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये बड़े साइजेस दोस्तों यहाँ की तरफ में आपको मिल जाएंगे, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से मैखाने टाइप वाले, और ये यहाँ की तरफ में साइजेस के दिख जाते हैं आपको, बहुत ही सुंदर सुंदर। यहाँ की तरफ में जो मूर्ति रखी है इनके ऊपर में भी आऊंगा मैं बहुत जल्दी। आगे की तरफ में चलते हैं, आगे दिखाएं अखंड जोत पे, ये अखंड जोत स्टाइल देखिए, और आपको देख लो देख सकते हो बिल्कुल देख रहे हैं ना सेम चीज हमारे, ये इन्होंने जला भी रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल, और ये देखिए इसकी लुक इस तरीके से देखने को मिलेगी, और बड़ा भी मिल जाएगा और छोटा भी मिल जाएगा इनके पास में आपको।
बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। आगे की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, जैसे ये पंचमुखी दीपक है, बहुत ही सुंदर। और ये कैंडल स्टैंड है फैंसी, दिवाली वगैरह में बहुत सही अकॉर्डिंग है। बिल्कुल, बस ये घर के बाहर में जलाना, वरना कोई ठाकर ले जाएगा पहले ही। है नहीं, घर के बाहर जलाने के लिए नहीं। हाँ, एक ये छोटे छोटे से जो कई सारे लोग अपने चांदी सोने का सामान रखते हैं, छोटे छोटे ये इसके अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे कि दोस्तों वेट के हिसाब से प्राइस है। प्राइसिंग किसी को भी जानना हो तो इनको कॉल करो, मैसेज करो, सबका प्राइस ये आपको बता देंगे। ये देखिए झूला कितना प्यारा लग रहा है, आप सारे साइजेस ऊपर देख सकते हैं, सारे अवेलेबल हैं। और ये इन सबका एक बहुत ही बड़ा झूला मेरे ख्याल से यहाँ पे इसके पीछे भी रखा हुआ है, बहुत बड़े। इस पे तो वैसे खिलौने बिठा दो तो उस पर आदमी बैठ जाएगा पूरा पूरा। ओके, बच्चा सो जाएगा आराम से। एक ये देखिए, अब आ गए हमारे नंदी महाराज जी, कुछ इस तरीके से पूरे ठोस है ये पूरे के पूरे। ये दोस्तों अंदर से पूरे के पूरे ठोस रहने वाले हैं। ये चांदी के अंदर में मिल जाएंगे आपको शिवलिंग, दिख रही है ये सारी सॉलिड है, ये सब सॉलिड के अंदर। अभी अंदर से कोई सा भी खोखला इनके अंदर में से यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूँ मैम मैं? बिल्कुल। एक बार हाथ में उठाए अपने प्लीज सर, एक बार इसको। ये दोस्तों 250 ग्राम वेट है इसका, 249 ग्राम। अच्छा, इसके ऊपर ये आपने सब कुछ लिखा हुआ है सबके ऊपर, जैसे कि देख पा रहे हैं ये 208 ग्राम की है। सबके ऊपर दोस्तों प्राइस आपका मेंशन है, 240 ग्राम की है। वेट, सॉरी वेट, प्राइस नहीं है, 240 तो लुट जाएगा ऐसे तो इतने सस्ते में मिलने लग जाएगा। तो सही कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सस्ता नहीं मिलता फिर। बिल्कुल, आर्टिफिशियल भी इतना सस्ता नहीं मिलता। ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे कितनी प्यारी लुक मिल रही है, साई बाबा है सारे ही। ये दोस्तों बहुत सारे लोगों को भैया बहुत पसंद होता है अपने मंदिर के अंदर चांदी की मूर्ति रखना, तो इनसे आप बहुत सस्ते दामों के अंदर में ले सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी मिल रही है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए अष्टलक्ष्मी, देखिए कितनी सुंदर है। और साथ में देखिए कितना प्यारा इधर आपको मिल जाता है रथ, श्री कृष्ण भगवान का बोल सकते हो इसको आप, बहुत सुंदर। आपके पीछे गधे रखे हुए हैं जिसको क्या बोलते हैं, गधा। आगे चलता है, ये देखो हनुमान जी है, कितना प्यारा लग रहा है। छोटा साइज से लेके बड़े से बड़ा साइज सारे मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। 2 किलो 3 किलो जो आपकी डिमांड होती है, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा, वो हो जाती है। बहुत बढ़िया। यहाँ की तरफ में जो ऊपर की तरफ में बर्तन रखे हुए, ये बड़े बर्तन भी मिल जाते हैं जी। बिल्कुल, ये भी देख सकते हो। ये दोस्तों देखिए, जैसे कि आप काफी प्यारी भोजन की थाली मिल जाएगी चांदी के अंदर में। ये ऑक्सीडाइज चांदी कहेंगे इसको, क्योंकि थोड़ी सी काली हो रही है, कार्विंग करी हुई है। सारा ऑक्सीडाइज का ही सामान है हमारे पास जितना भी यहाँ पर। ये जो आपके पीछे रखा हुआ है ये क्या बोल, इसको क्या बोलते हैं, ये ज्वेलरी बॉक्सेस है। ये ज्वेलरी बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी प्यारे प्यारे हैं। इसमें आप इसको गिफ्ट दे सकते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। जी एक चीज और, आपके पीछे ना वहाँ पे छत्र रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है भैया कुछ इस तरह के छत्र की। ये यहाँ की तरफ में कितने सारे इन्होंने लगाए हुए हैं, ये तो भैया मैक्सिमम लोगों ने कभी ना कभी खरीदे होंगे, क्योंकि भैया हर आदमी चाहता है कि भैया मंदिर में उसकी मन्नत पूरी होती है, वो इस तरह के छत्र चढ़ाता है। ये इनके पास से आपको मिल जाएंगे। कितने रुपए का ये छत्र मिल जाता है अपने पास में, वैसे ये वेट के हिसाब से, वेट के अकॉर्डिंग है, 5 ग्राम से 2.5 ग्राम से शुरू हो जाता है हमारे पास, 2 ग्राम 2.5 ग्राम से शुरू होकर के भैया। ये जैसे कि देख पा रहे हैं 2 किलो 3 किलो जो आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई अगर अपने हिसाब से बनवाना चाहे तो बना भी देते हैं, बहुत बढ़िया मैम, बहुत। मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ भैया, लेडीज की पसंदीदा आइटम से शुरुआत करेंगे। इनके पास में मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से लेडीज की चुटकियाँ, और इसके अंदर में भी डिजाइन बहुत सारे मिल जाते हैं अपने पास में। जी बिल्कुल, डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, कलर्स वैरायटी बहुत सारे मिल जाएगी हमारे पास। 4 ग्राम से बिछिया शुरू हो जाएगी, बाकी आपको 20-30-40 ग्राम तक की बिछिया मिल जाएगी। क्या बात है, 4 ग्राम से शुरू होकर 20-30 ग्राम तक में चली जाती है अपने पास। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये भी सारी बिछिया रहने वाली, ये सारा आप देख सकते हैं माइक्रो स्टोन के साथ बिछिया है। ये देखिए ये भैया माइक्रो स्टोन निकाल दीजिए, इसमें से फोकस मिल जाएगा क्योंकि पन्नी के अंदर में है। एक बार दिखा देता हूँ भैया, ये आइटम जो आप देख पा रहे हैं ये काफी आपको मतलब अच्छी लगेगी देखने में। ये देखिए ये कुछ इस तरह, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो स्टोन के साथ है ये, माइक्रो स्टोन के साथ में मिलेगी। ये कुछ कॉस्टिंग होती है इनकी, प्राइस बता देंगे क्या प्लीज, इसका बता सके तो हमारे व्यूअर्स को कुछ आइडिया। चांदी का भाव होता है उससे आपकी शुरू हो जाती है, ओके, बाकी अकॉर्डिंग टू वेट रहता है। ठीक है, और सारे का सारा दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आपको, इसमें आपको कलर्स वैरायटी बहुत मिल जाएगी। देखो ग्रीन कलर भी मिल जाएगा, पिंक भी मिल जाएगा, आपको 4 की चाहिए 4 की मिल जाएगी, 6 की चाहिए 6 की मिल जाएगी, आपको जैसे चाहिए हमें वैसे आपको देंगे इसमें। बहुत बढ़िया, अभी आगे की तरफ में चलते हैं। कुछ लोग प्लेन पसंद करते हैं बट उसमें भी उनको डिजाइन चाहिए होता है, तो वो वैरायटी भी हमारे पास मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल प्लेन के अंदर, बेसिक स्टाइल के अंदर में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगी आपको। ये देखिए ये भी काफी प्यारी यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाती है। ये सब 4-4 के सेट रहने वाले हैं ना जी, ये सब 4-4 के होते हैं। ओके, एक ये जैसे कि देख पा रहा हूँ ये काफी मोटे कुछ क्या मोती है क्या, ये सिंगल स्टोन के साथ है, साइड में प्लस जर्कन लगा रखा है। ये देखिए ये जैसे कि ब्राइडल लुक में दे रखा है इसको, बहुत ही सुंदर। ये 6 के सेट के साथ की है, बहुत आपको 4 का चाहिए होगा इसमें आपको 4 का भी मिल जाएगा।
ओके अब ये जैसे कि देख पा रहे ये साइज है इसी रेंज के अंदर मतलब इसी के स्टाइल के अंदर में दोस्तों ये देखिए लाइट वेट में इनके पास में आपको मिलने वाली है लाइट वेट के अंदर में कुछ एंटिक डिजाइन सिंगल स्टोन का होगा सिंगल स्टोन में मिल जाएगी सारी वैरायटी रहती है हमारे पास ये जैसे कि ये डबल ये मीनाकारी है क्या इसके ऊपर में स्टोन भी है स्टोन भी है दोनों बहुत ही सुंदर मतलब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं वैरायटी इनके पास में बहुत सारी रहने वाली है ये इसके बारे में दिखा दीजिए देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है अभी कलरफुल है आप देख सकते हैं फ्लावर की शेप में बना रखा है प्लस इसमें आपको कलर की वैरायटी बहुत सारी मिल जाएगी ये देखो अलग अलग कलर्स हैं ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं पिंक चाहिए मैरून चाहिए ये देखो बहुत ही प्यारे और एक ये जैसे कि देख पा रहे ये वाली की काफी सुंदर है इसके बारे में ये जोधा अकबर बिछिया है ओके जोधा अकबर बिछिया बोलते हैं जोधा अकबर बिछिया कहते हैं ओके वेटेड थोड़ी सी वेटेड रहती है 20-25 ग्राम तक रहती है 20-25 ग्राम तक जाती है ये देखिए मैम ने अपने हाथ में पहनी हुई है ये बहुत प्यारी है आता है प्लस सिंगल स्टोन बीच में दे रखा है साइड में आपका माइक्रो स्टोन है सारा बहुत ही सुंदर दोस्तों डिजाइनिंग वैरायटी बहुत सारी रहने वाली है ये देखिए इसके बारे में बता दीजिए प्लीज एक बार ये भी जोधा अकबर पैटर्न ही है आप देख सकते हैं इसमें कलरफुल कर रखा है ग्रीन भी है पिंक भी है डार्क पिंक भी है इसकी लुक बहुत ही प्यारी आ रही है दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं और डिजाइनिंग की बात करें तो दोस्तों डिजाइनिंग इनके पास में इसके अंदर में बहुत सारी मिल जाती है ये देखिए ये आप रिंग के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप रिंग पहन लिए एक तरीके से आपको बिछिया चाहिए आप बिछिया के तरीके से पहन सकते हैं ठीक है टू इन वन होती है जैसे कि हम ये हमने देख लिया अब यहाँ की तरफ में आते हैं ये क्या चीजें मैम हमारे व्यूअर्स के लिए इसके दिखाई सिंदूर दानी है ओके ये सिंदूर दानी रहेगी ये देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पर ही आपको मिलने वाली है बहुत ही सुंदर क्या बात है बहुत ही कम दामों के अंदर दोस्तों मार्केट से यहाँ से आप आकर के ले सकते हैं सिंगल पीस दे देंगे लेकिन शॉप के ऊपर आएंगे तब जी। और आप आ जाते हैं भैया ये देखिए कुछ ये इस चांदी की चप्पल है चांदी की चप्पल सैंडल ये एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ भैया चांदी की चप्पल है ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये प्योर चांदी के अंदर में रहने वाली है और काफी प्यारी इसकी लुक लग रही है क्या बताए एक बार कुछ इसके बारे में प्लीज ये चांदी की सैंडल है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हील वाली है जी? अगर आपको बिना हील के चाहिए तो बिना हील के भी मिल जाएगी ठीक है बस इसमें काम आप देख सकते हैं मीने का काम करा हुआ है कोई स्टोन का काम नहीं है इसमें अभी घुंघरू लगने बाकी हैं ये जब ओके. फाइनल होती है हम तभी घुंघरू इसमें लगा लेते हैं अच्छा जो इसकी हील है ये सॉलिड चांदी के अंदर में पूरी ये सब अभी चांदी का है आप इसमें बाहर मोची से सोल लगवाएंगे तब आप इसे वेयर कर सकते हैं ठीक है बहुत सुंदर उसके बाद चांदी की जूतियां लेदर में है प्योर लेदर का अंदर है चांदी की जूतियां मिलेगी भैया पूरी की पूरी सोल इसका अंदर लेदर का है पूरा का पूरा जी। और ये क्या मीनाकारी इसके ऊपर में मैम इसके ऊपर मीनाकारी कर रखी है प्लस कुंदन वर्क भी हमने दे रखा है देखिए दोस्तों कितनी सुंदर यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल रही है साइजेस मिल जाते हैं सारे सारे साइज आपको इसमें सारे मिल जाएंगे साइज सारे मिल जाते हैं साइज सारे बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया आगे की तरफ में चलते हैं ये क्या चीज है मैम अपने पास में ये आपको नारियल का पेड़ है नारियल का पेड़ जी क्या बात ये दोस्तों चांदी के अंदर नारियल का पेड़ आपको दिखाते हैं एज अ शॉप पीस लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ये देखिए बहुत ही सुंदर पीस लग रहा है ये क्या मीना है इसके अंदर में या पेंट है ये सारा मीना कर रखा है ये देखिए आप इसे ओपन भी कर सकते हैं ऐसे ओके बहुत से आगे की तरफ में चलते हैं आगे दिखाएं ये क्या चीज है मैम अपने हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार ये बताएं ये तो सब देख के पहचान ही जाएंगे क्या है ये क्या चीज है आप समझ सकते हैं भैया ये है मदिरा पान करने के लिए है जी, ये पानी भर के ही पी सकते हैं शरीफ लोग जैसे हमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया बहुत ही सुंदर लग रही है और डिजाइन देखिए इनके पास से आकर ये सबके ऊपर पूरा पूरा अलग अलग कलाकारी हुई है सबके ऊपर अलग अलग कर रखी है बहुत सही ये आगे आ जाते हैं अपने दिए ये चांदी के दिए आ जाते हैं भैया फैंसी दिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप दिवाली के पर्पज से इसे ले सकते हैं या अपने घर में रोज लगाने के लिए ले सकते हैं ये जो टाइप आपको मिल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर इस तरीके से ये और ये क्या चीज है ये जो आपने रखी फ्लावर है ये फ्लावर है मतलब आर्टिफिशियल मतलब सजाने के लिए सजावट के लिए बहुत सारा सामान अपने पास में मिल जाता है ये है अपना ये किचन ये पेड़ है ओके दे रखा है साथ में झूला लड्डू गोपाल जी का दे रखा है वैसे बहुत ही सुंदर और जैसे कि इसके अंदर में डिजाइनिंग बहुत सारी अपने पास में है बड़े में छोटे में अलग अलग तरीकों के अंदर में एक खोल करके दिखा देता हूँ दोस्तों छोटे वाला थोड़ा सा ये जैसे कि आप देख रहे हैं देखिए कितना सुंदर पीस देखने को मिलेगा ये यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल बिठा सकते हैं साइड में चेन दे सकते हैं और जैसे सब जानते हैं जन्माष्टमी भी आ रही है सबको लड्डू गोपाल और झूला चाहिए होता है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है बहुत सुंदर मैम और इसके अंदर में ये भी चांदी के अंदर रहने वाला है लेकिन पॉलिश कर रही है गोल्ड की ये गोल्ड की पॉलिश कर रखी है व्हाइट चाहिए आपको व्हाइट भी मिल जाएगा ये व्हाइट चाहिए दोस्तों व्हाइट में भी आपको इनके पास में इस तरीके से मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको पर्स दिखाया था और खोल के दिखाएं प्लीज एक पर्स को खोल सकते हैं इसको ये दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए थे वहाँ पे पूरे के पूरे वो ऑक्सीडाइज थे ना आई थिंक वो पूरे के पूरे yes, पूरे ऑक्सीडाइज थे ये सारे व्हाइट में ये पूरे प्योर व्हाइट के अंदर है जैसे कि एक मैं आपको खोल के दिखाया साइज देख सकते हैं छोटे बड़े का कितना डिफरेंस ये 105 ग्राम का रहने वाला है समथिंग है ये देखिए यार कितनी प्यारी लुक रहने वाली है
चांदी का पर्स कोई भी हमारी माताएं बहनें लेना चाहती हो तो यहाँ पर मैं आकर के ले सकते हैं। और देखिए कितनी प्यारी क्वालिटी लग रही है और भैया काफी अच्छा खासा है। अभी चेन भी लगेगी, यहाँ ये चेन के लिए दे रखा है, आप इसे चेन इसमें लगाकर पूरा लॉन्ग टांग भी सकते हैं। बहुत ही सुंदर मैम आएगी तो मैं चलते इसके अंदर मैं डिजाइन दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ। डिजाइन काफी सारे अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाते हैं। आप आ जाते हैं, ये क्या चीज है अपने हमारे व्यूअर्स के लिए? ये रोली चावल रखने के लिए रहता है। ओके, ये दोस्तों एक और दिखा देता हूँ रोली चावल रखने के लिए। ये लुक वाइज तो देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है इसके अंदर, मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी, बहुत ही सुंदर मैम। ये देखिए देख सकते हैं कितना क्यूट सा है। अगर आपको दो खाने का चाहिए दो खाने का भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। इसके अंदर में आप देख सकते हैं सारे के सारे कुछ इस तरह का, चार का चाहिए चार का भी मिल जाएगा, यानी दो तीन चार, ये तीन तरह के पैटर्न आते हैं। बहुत बढ़िया, ये सात सजावट का सामान है भैया। ये तुलसी का पौधा है, ले सकते हैं इनसे। ये तुलसी का पौधा है देख सकते हैं आप, क्या बात है। पूजा घर में सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या छह पीस का कुछ सेट टाइप का भी होता है क्या, क्या चीज है ये? नहीं इसमें साइजेस हैं, तुलसी के पौधे में ये साइजेस सबसे छोटा साइज है आप देख सकते हैं। साइजेस हैं ये सारे सारे, ये सबसे छोटा है, ये मीडियम है, इससे एक बड़ा भी आता है। बहुत ही बढ़िया मैम, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग डिजाइन भी बहुत सारे अपने पास में। और अब आ जाते हैं ये बच्चों के मग, ये जैसे कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं कार्टून इसके ऊपर में बनाए हुए हैं। बच्चे की बॉटल भी है, ये देखिए बॉटल कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर मैम। ये जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा हमारे व्यूअर्स को, हैं जी। बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कार्टून हमने सारे भी बनवा रखे हैं, क्योंकि बच्चों को ऑलमोस्ट सबको कार्टून बहुत पसंद होते हैं बचपन में। जी बिल्कुल। अब यहाँ की तरफ आए थे मैम, ये क्या चीज है हमारे व्यूअर्स के लिए बताएगा? ये गुच्छा पैटर्न है, दो कुंडे का गुच्छा, ये देख सकते हो आप, फैंसी है जी। आपको इसमें हैवी चाहिए हैवी में मिल जाएगा, लाइट चाहिए लाइट भी। ये भैया कमर का गुच्छा रहने वाला है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी भी, कितना सुंदर यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर में डिजाइनिंग बहुत सारी है नीचे की तरफ में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये सारी सारी अलग अलग डिजाइनिंग आपको मिल जाएगी, हैवी हल्का भारी सब मिलने वाला है इनके पास में। ये सबसे लाइट वेट है, दो कुंडे वाला, दो कुंडे वाला सबसे लाइट वेट के अंदर में। ओके, अब ये भी आई थिंक सिंदूर के लिए, मैं भी ये फैंसी डब्बियां आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, अपना कोई भी रख सकते हो, छोटे टॉप्स वगैरह रिंग्स हो गई आप कुछ भी इसमें रख सकते हो। बहुत ही सुंदर। अब यहाँ की तरफ में आते हैं भैया, ये क्या बोलते हैं, जलेरी? नहीं शिवलिंग है ये, इसको जलेरी बोलते हैं, इसके ऊपर आई थिंक शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग रखते हैं। ये जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही प्यारी लग रही है ये। और जो हमने अभी चांदी का शिवलिंग दिखाया था वो मैं भी इसके ऊपर रख सकते हैं शायद हम, बहुत ही सुंदर है दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, क्या बात है भैया। क्वालिटी आप देखेंगे दोस्तों सबकी बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको मिल जाती है। आप दिखा रहे हैं मुकुट, ये है मुकुट, ये जैसे कि ये देख पा रहे हैं भैया लोगों को चढ़ाने के लिए चाहिए। मैम कह रही लगाना है आपको? नहीं लगाओ। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैम ने लगा लिया है, कुछ इस तरीके से रहेगा ये। ये क्या क्या वेट रहता था समथिंग इनका? ये भी वेट आपका 15-20 ग्राम से स्टार्टिंग हो जाती है। बाकी लड्डू गोपाल का चाहिए सबसे छोटा तो आपको 5-6 ग्राम का मिल जाएगा, 5-6 ग्राम का भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे आइटम बहुत सारे इनके, मैं आपको दिखा देता हूँ भैया चांदी की चप्पल है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये प्योर चांदी के अंदर में रहने वाली है और काफी प्यारी इसकी लुक लग रही है। क्या बताए एक बार कुछ इसके बारे में प्लीज? ये चांदी की सैंडल है जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हील वाली है, अगर आपको बिना हील के चाहिए तो बिना हील के भी मिल जाएगी, ठीक है। बस इसमें काम आप देख सकते हैं मीने का काम करा हुआ है, कोई स्टोन का काम नहीं है इसमें, अभी घुंघरू लगने बाकी हैं, ये जब फाइनल होते हैं हम तभी घुंघरू इसमें लगा के देते हैं। अच्छा ये जो इसकी हील है ये सॉलिड चांदी के अंदर में है पूरी? ये सब अभी चांदी का है, आप इसमें बाहर मोची से सोल लगवाएंगे तब आप इसे वेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर। उसके बाद ये चांदी की जूतियां है, लेदर में है, प्योर लेदर का अंदर है, चांदी की जूतियां मिलेगी भैया पूरी की पूरी, सोल इसका अंदर लेदर का है पूरा का पूरा जी। और ये क्या मीनाकारी इसके ऊपर में मैम? इसके ऊपर मीनाकारी कर रखी है प्लस कुंदन वर्क भी हमने दे रखा है। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल रही है, साइजेस मिल जाते हैं सारे सारे, ये आपने बेसिक बने रहते हैं खाली? नहीं साइज आपको इसमें सारे मिल जाएंगे, साइज सारे मिल जाते हैं, साइज सारे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ में चलते हैं, ये क्या चीज है मैम अपने पास में? ये आपको नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ जी, क्या बात दोस्तों, चांदी के अंदर नारियल का पेड़ आपको दिखाते हैं, एज अ शॉप पीस लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर पीस लग रहा है, ये मीना है इसके अंदर में या पेंट है? ये सारा मीना कर रखा है, ये देखिए ओपन भी कर सकते हैं इसे। ओके, बहुत से आगे की तरफ में चलते हैं, आगे दिखाएं ये क्या चीज़ है अपने हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार ये बताएं। ये तो सब देख के पहचान ही जाएंगे क्या है ये, क्या चीज है आप समझ सकते हैं भैया जी। ये है मदिरा पान करने के लिए है, ये पानी भर के ही पी सकते हैं शरीफ लोग जैसे हमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया बहुत ही सुंदर लग रही है। और डिजाइन देखिए इनके पास से आकर ये सबके ऊपर पूरा पूरा अलग अलग कलाकारी हुई है सबके ऊपर, अलग अलग कर रखी है। बहुत सही, ये आगे आ जाते हैं अपने दिए जी, ये फैंसी चांदी के दिए आ जाते हैं भैया, फैंसी दिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं
आप दिवाली के पर्पज से इसे ले सकते हैं या अपने घर में रोज लगाने के लिए ले सकते हैं। ये जो टाइप आपको मिल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर इस तरीके से ये। और ये क्या चीज है, ये जो आपने रखी फ्लावर है, ये फ्लावर है मतलब आर्टिफिशियल, मतलब सजाने के लिए, सजावट के लिए बहुत सारा सामान अपने पास में मिल जाता है। ये है अपना ये किचन, ये पेड़ है, ओके, दे रखा है साथ में झूला लड्डू गोपाल जी का दे रखा है, वैसे बहुत ही सुंदर। और जैसे कि इसके अंदर में डिजाइनिंग बहुत सारी अपने पास में है, बड़े में, छोटे में, अलग अलग तरीकों के अंदर में। एक खोल करके दिखाया था दोस्तों छोटे वाला थोड़ा सा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए कितना सुंदर पीस देखने को मिलेगा। ये यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल बिठा सकते हैं, साइड में चेन दे सकते हैं। और जैसे सब जानते हैं जन्माष्टमी भी आ रही है, सबको लड्डू गोपाल और झूला चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर मैम। और इसके अंदर में ये भी चांदी के अंदर रहने वाला, लेकिन पॉलिश कर रही है गोल्ड की, ये गोल्ड की पॉलिश कर रखी है। व्हाइट चाहिए आपको, व्हाइट भी मिल जाएगा, व्हाइट चाहिए दोस्तों, व्हाइट में भी आपको इनके पास में इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पर्स दिखाया था, खोल के दिखाएं प्लीज, एक पर्स को खोल सकते हैं इसको ये दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए थे वहाँ पे पूरे के पूरे वो ऑक्सीडाइज थे ना, आई थिंक वो पूरे के पूरे yes, पूरे ऑक्सीडाइज थे, ये सारे व्हाइट में, ये पूरे प्योर व्हाइट के अंदर है। जैसे कि एक मैं आपको खोल के दिखाता हूं, देख सकते हैं छोटे बड़े का कितना डिफरेंस। ये 105 ग्राम का रहने वाला है समथिंग है, ये देखिए यार कितनी प्यारी लुक रहने वाली है। चांदी का पर्स कोई भी हमारी माताएं बहनें लेना चाहती हो तो यहाँ पर मैं आकर के ले सकते हैं। और देखिए कितनी प्यारी क्वालिटी लग रही है, और भैया काफी अच्छा खासा है। इसमें अभी चेन भी लगेगी, यहाँ ये चेन के लिए दे रखा है, आप इसे चेन इसमें लगाकर पूरा लॉन्ग टांग भी सकते हैं, बहुत ही सुंदर मैम। आएगी तो मैं चलते इसके अंदर मैं डिजाइन दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, डिजाइन काफी सारे अलग अलग डिजाइन है आपको मिल जाते हैं। आप आ जाते हैं, ये क्या चीज है अपने हमारे व्यूअर्स के लिए, ये रोली चावल रखने के लिए रहता है। ओके ये दोस्तों एक और दिखा देता हूँ, रोली चावल रखने के लिए। ये लुक वाइज तो देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है इसके अंदर, मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी, बहुत ही सुंदर मैम। ये देखिए कितना क्यूट सा है, अगर आपको दो खाने का चाहिए दो खाने का भी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। इसके अंदर में आप देख सकते हैं सारे के सारे कुछ इस तरह, चार का चाहिए चार का भी मिल जाएगा, यानी दो तीन चार, ये तीन तरह के पैटर्न आते हैं, बहुत बढ़िया। ये सात सजावट का सामान है भैया, ये तुलसी का आकर के ले सकते हैं इनसे, ये तुलसी का पौधा है देख सकते हैं, क्या बात है, पूजा घर में सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या छह पीस का कुछ सेट टाइप का भी होता है क्या, क्या चीज है ये? नहीं इसमें साइजेस हैं, तुलसी के पौधे में ये साइजेस, सबसे छोटा साइज है आप देख सकते हैं, साइजेस हैं ये सारे के सारे, ये सबसे छोटा है, ये मीडियम है, इससे एक बड़ा भी आता है, बहुत ही बढ़िया मैम। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग डिजाइन भी बहुत सारे अपने पास में। और अब आ जाते हैं ये बच्चों के मग, ये जैसे कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं कार्टून इसके ऊपर में बनाए हुए हैं, बच्चे की बॉटल भी है, ये देखिए बॉटल कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर मैम। ये जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा हमारे व्यूअर्स को, हैं बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कार्टून हमने सारे भी बनवा रखे हैं, क्योंकि बच्चों को ऑलमोस्ट सबको कार्टून बहुत पसंद होते हैं बचपन में। जी बिल्कुल। अब यहाँ की तरफ आया था मैम, ये क्या चीज है हमारे व्यूअर्स के लिए बताएगा? ये गुच्छा पैटर्न है, दो कुंडे का गुच्छा, ये देख सकते हो आप, फैंसी है जी, आपको इसमें हैवी चाहिए हैवी में मिल जाएगा, लाइट चाहिए लाइट में। ये भैया कमर का गुच्छा रहने वाला है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी भी, कितना सुंदर यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर में डिजाइनिंग बहुत सारी है नीचे की तरफ में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये सारी सारी अलग अलग डिजाइनिंग आपको मिल जाएगी, हैवी हल्का भारी सब मिलने वाला है इनके पास में। ये सबसे लाइट वेट है, दो कुंडे वाला, दो कुंडे वाला सबसे लाइट वेट के अंदर में। ओके अब ये भी आई थिंक सिंदूर के लिए, ये फैंसी डब्बियां आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, अपना कोई भी रख सकते हो, छोटे टॉप्स हो गए, रिंग्स हो गई, आप कुछ भी इसमें रख सकते हो, बहुत ही सुंदर। अब यहाँ की तरफ में आते हैं भैया, ये क्या बोलते हैं, जलेरी नहीं शिवलिंग है ये, इसको जलेरी बोलते हैं, इसके ऊपर आई थिंक शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग रखते हैं, ये जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही प्यारी लग रही है ये। और जो हमने अभी चांदी का शिवलिंग दिखाया था वो मैं भी इसके ऊपर रख सकते हैं शायद हम, बहुत ही सुंदर है दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, क्या बात है भैया, क्वालिटी आप देखेंगे दोस्तों सबकी बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको मिल जाती है। आप दिखा रहे हैं मुकुट, ये है मुकुट, ये जैसे कि ये देख पा रहे हैं भैया, लोगों को चढ़ाने के लिए चाहिए मैम, कह रही लगाना है आपको, नहीं लगाओ, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैम ने लगा लिया है, कुछ इस तरीके से रहेगा ये। ये क्या क्या वेट रहता था समथिंग इनका? ये भी वेट आपका 15-20 ग्राम से स्टार्टिंग हो जाती है, बाकी लड्डू गोपाल का चाहिए सबसे छोटा तो आपको 5-6 ग्राम का मिल जाएगा, 5-6 ग्राम का भी मिल जाता है, बहुत बढ़िया। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे आइटम बहुत सारे इनके, अब आप ये वाले आइटम देखिए, देखिए कितने सुंदर सुंदर, कितने प्यारे प्यारे यहाँ से ये आइटम मिल जाएंगे आपको। भैया शॉप के ऊपर आएंगे तो सिंगल पीस भी ये दे देंगे, और मार्केट के अंदर ये आप कहीं पे भी पूछने चले जाए भैया काफ़ी महंगे आपको मिलते हैं। मैम यहाँ से तकरीबन ये वाला जो आइटम है इनके बारे में बताना स्टार्ट करें, कितने पैसे मतलब क्या बोलते हैं कितने वेट से स्टार्ट हो जाता है ये सारे आइटम? ये सब इटालियन आइटम है हमारी जी, जैसे देख सकते हैं ये जयपुरी पायल है ऑक्सीडाइज में, ये देखिए जयपुरी पायल है भैया ऑक्सीडाइज के अंदर, ये काली नहीं पड़ेगी ये पहले से ही, ये थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप की है ये थोड़ी सी है, इसी में आपको डिजाइन काफी मिल जाएंगे और लाइट वेट हैवी वेट सारा मिल जाएगा।
आपको जो ये नीचे घुंघरू दिख रहे हैं ये बजेंगे नहीं है, देखिए ओके ये बजने वाले नहीं है, ये बजने वाले नहीं है, ये फैशनेबल आजकल की जैसे लड़कियां डिमांडिंग करती हैं उस टाइप के हमने बनवा रखे हैं। बहुत ही सुंदर मैम, कुंदन का काम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ब्रॉच में सारा कुंदन का काम आएगा। ये देखिए ऐसे पेच आएगा, ये पेच यहाँ से ऐसे जाएगा, बिल्कुल दब जाएगा, साइड में जाली आएगी, टाइट हो जाएगी। बहुत ही सुंदर मैम, ये दोस्तों डिजाइन जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेट के हिसाब से इनका प्राइस रहेगा। एक ये देखिए कितनी प्यारी चीज लगी है, तो लाइट वेट में भी मिल जाएगी, देखिए बहुत प्यारी चीज है। बिल्कुल मैम बिल्कुल, यहाँ की तरफ में आपको मिल जाएंगे पेंडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये सब भी चांदी के अंदर पहनने वाले हैं, ये सब चांदी के अंदर ही है, ये ब्लैकिश ब्लैक स्टोन लगा रखा है इसके अंदर, ब्लैक स्टोन इसके अंदर में यूज करे हुए हैं। और ये गर्ल्स के अंदर में पेंडेंट मिल जाएंगे, मतलब लेडीज के लिए ना, पकड़े एक बार प्लीज इन दोनों को। ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी प्यारी इसकी लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैंगल्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जोड़े में रहते हैं ये सारे जोड़े में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा जी अमेरिकन डायमंड लगवा रखा है, यानी अगर आप पहनोगे तो कोई कह नहीं सकता आप चांदी के पहन रखे हैं, ये प्रॉपर पूरे डायमंड वाले लग रहे हैं। बहुत इसमें आपको गोल्डन पॉलिश मिल जाएगी, रोज गोल्ड पॉलिश मिल जाएगी, ओके, और व्हाइट पॉलिश मिल जाएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर मैम, ये कड़े में आपको हाथ में लेके दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल मैम बिल्कुल दिखा दीजिए प्लीज, ये जैसे कि दोस्तों आप पहनने के बाद लगेगा नहीं कि आप कहीं चांदी के पहन रखे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे डायमंड के पहने जी, बिल्कुल डायमंड वाले लुक देते हैं, बहुत ही सुंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेंडेंट प्लस कान के आपको मिल जाते हैं, पेंडेंट ये साथ में एक बार ये उठाना है, चैन उठाएं प्लीज एक बार। ये दोस्तों चैन देखिए कितनी मोटी चांदी की चैन यहाँ पर आपको मिलने वाली है, पूरी ये रखेंगे एक बार प्लीज अपने हाथ पे। ये जैसे कि आप देखेंगे इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और साथ साथ में इनके पास में अंगूठियां, रिंग्स की वैरायटी बहुत है यहाँ पे, खाली मैंने कुछ पीस आपके लिए रखे हुए दिखाने के लिए। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैम आपको पहन करके दिखा रही है, कितनी प्यारी लग रही है, टाइम पास भाई बहुत बढ़िया। और ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये किस कैसे में रहेगी अपने पास में, ये कॉकटेल रिंग है, ये देखिए ओके, ये भी चांदी में रहने वाली है, सब चांदी में हमारे पास रहेगा। ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी लगने वाली है, एक ये जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रही है ये। और ये जैसे कि ये इस तरह की उठाएं प्लीज एक बार, ये सब कॉकटेल रिंग्स में आती है। ये देखिए ये रिंग्स की कुछ कीमत की शुरुआत बता सकते हैं, ये तकरीबन कितने रुपए से शुरुआत होती है अपने पास में? हमारे पास रिंग्स की वैरायटी 1 ग्राम से शुरू हो जाती है, तो आप लगा सकते हैं कि 1 ग्राम की रिंग काफी रीजनेबल प्राइस में आती है। बाकी आप जब आएंगे तो पर ग्राम आपको तभी पता चलेगा कि कितने रुपए से होता है उस दिन के चांदी के रेट के हिसाब से। बिल्कुल मैम बहुत सुंदर, जो इसके ऊपर डायमंड टाइप लगा रहता है इसका भी कुछ प्राइस रहता है क्या? जैसे कि ये सब चांदी में ही आपका इंक्लूड होता है, ये सब चांदी की सिर्फ चांदी का वेट इंक्लूड हो जाता है, चांदी का वेट में इंक्लूड होता है सब कुछ। ओके भाई की तरफ में चलते, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये अपने पास में कुछ घड़ियां मिल जाती है, इनके बारे में बता दे प्लीज। वॉच हमारे पास जेंट्स की और लेडीज की दोनों मिल जाएंगी आपको, पट्टे में चाहिए पट्टे में मिल जाएगी, चेन में चाहिए चेन में। ये भी आप देख सकते हो सारे ब्लैक स्टोन में ऑक्सीडाइज पैटर्न में हमने करवा रखा है, आपको ये गिफ्ट देने के पर्पज से देखिए पूरा जोड़ा बना रखा है। लेडीज एंड जेंट्स दोनों की चाहिए तो दोनों की यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और ये कड़े जैसे कि ये कुछ खास है कड़े क्या ये? जी यस, ये जो हमने अभी लग दिखाए थे ये बाहर बैंकॉक से आते हैं बनकर। ओके तो इनकी खासियत कुछ रहती है क्या? कुछ इनकी खासियत ये रहती है कि ये आपको जैसे मिल रहे हैं ये हमेशा आपके वैसे ही रहते हैं, काले नहीं पड़ेंगे ये कभी भी, ये काले नहीं पड़ते कभी भी। इसमें आप एक सैंपल भी देख सकते हैं, हम लोगों ने चेन वेयर कर रखी है जी जी, ये इसी रोडियम में कर रखी है, ओके, काली ना पड़े हम डेली वेयर में अच्छे से यूज कर सकते। बहुत ही सुंदर, हमेशा काली होती है बिल्कुल, चांदी कुछ टाइम के बाद काली पड़ जाती है दोस्तों, बस ये उसका एक नुस्खा लगता है। ये जैसे कि देख पा रहे हैं ये बच्चों के मिल जाएंगे, लेकिन जो ये वाले जो आइटम है ये काले नहीं पड़ेंगे कभी भी हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह की चेन्स आपको मिल जाएगी, ये हार्दिक पांडे चेन है, ये बहुत बढ़िया। और आगे की तरफ में चलते हैं, ये क्या चीज है हमारे व्यूवर्स के लिए? ओके ये वाली आइटम, ओके ये दिखा देते हैं बच्चों के, बताए बताए मैम बताए, ये हार्दिक पांडे वाला ब्रेसलेट है ये देखिए, ओके चैन और ब्रेसलेट दोनों मिल जाएंगे हार्दिक पांडे वाले। वैसे इस चैन का नाम है क्यूबिन चैन, क्यूबिन चैन बोलते हैं इसको। और ये इसकी बात करते हैं, ये इसके ये बाहुबली कड़ा लाइट वेट में बच्चों के लिए, बच्चों का बड़ों का? ये बड़ों का है, ओके ये बड़ों का पिंडोरा वाला ब्रेसलेट है, पिंडोरा सभी जानते हैं, नेट पे बहुत इसमें मिलता है। यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइज में मैंने लेडीज के फैंसी कड़े रखे हुए सिंगल हैंड वाले, ओके ये ऊपर से खुले हुए भी मिल जाएंगे, और आपको हाफ कड़ा और हाफ चेन में मिल जाएंगे। बहुत सुंदर मैम, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कुछ बच्चे के कड़े रखे हुए हैं, ये देखिए बच्चे के भी फैंसी कड़े काफी मिल जाएंगे, ये देखिए ये चील बनी है, काफी सुंदर सुंदर मिल जाते हैं। अब यहाँ की तरफ में आए कुछ ये वाले आइटम दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, ओके ये वाले पेंडेंट्स भी रहते हैं, ये चेन पेंडेंट है, बहुत छोटे हैं पता नहीं लग रहे हैं, ये चेन और पेंडेंट है साथ में अटैच है, ये आपको एज इट इज मिलेंगे, ओके इनके पीछे हमने MRP भी लिखी हुई है, 1770 रुपए की है ये, ओके ये ऑन MRP रहेगा सारा,
ये ऑन एमआरपी पे दोस्तों आपको मिल जाएंगे। ईगल आई वाला भी है, देखिए ह्यूमन आई, ईगल आई सब मिल जाएगा इसमें। बहुत सुंदर मैम, आगे क्या दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को आप? आगे मैं कुछ रिंग्स आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर। जी मैम आइए, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइट वेटेड बड़ी रिंग्स है। अच्छा ये वाली छोटी वाली, ये वाली थोड़ी सी, ये थोड़ी बड़ी सी वाली कॉकटेल में आ रही है। लाइट वेटेड रिंग्स है, ऊपर से खुलने वाली है, एडजस्टेबल है। बहुत सुंदर मैम, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारी है। जी बिल्कुल, ये आप एक चीज दिखाना चाहूंगी, खोल लीजिए। मतलब भैया आइटम देखोगे तो यार काफी सारे इनके पास में यहाँ पर इस तरीके से मिल जाते हैं। देखिए कितनी प्यारी रिंग लगेगी, आप डेली में से आराम से वेयर कर सकते हो। बिल्कुल, सो ये काली नहीं पड़ेगी? मतलब नहीं, ये काली नहीं पड़ेगी, जैसा है वैसी रहेगी आपकी। बहुत सुंदर, आगे की तरफ में चलते हैं। ये बता दे क्या चीज है हमारे व्यूअर्स के लिए? ये वेडिंग कार्ड, ओके। अपने नाम के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, इसमें आप फोटोज भी लगवा सकते हैं। जी जी, गिफ्टिंग पर्पज से या वेडिंग कार्ड किसी को चांदी में देना, रॉयल फैमिली टाइप कोई देना चाहे सो वो दे सकता है। ओके, अब यहाँ की तरफ में आते हैं, ये क्या चीज रखी हुई है हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से भगवान की मूर्तियाँ, सॉलिड और सिल्वर के अंदर रहने वाली है, सही कह रहा हूँ? सारे सिल्वर में रहेंगी, ये सॉलिड नहीं रहेगी, ये हॉलो रहेगी, यानी ये अंदर से आप देखोगे तो यहाँ से आपको सारी खाली मिलेगी। ओके, वैसे दूर से देखने में लग रहा है कि भैया पूरी ये सॉलिड रहने वाली है, लेकिन ये भैया काफी लाइट वेटेड के अंदर में लगेगी और सुंदर काफी ये लग रही है। एक जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये भी काफी प्यारी है, ये पीछे से खाली है आप देख सकते हो, शीट वाली मूर्ति कहते हैं इसे, कपूर की शीट वाली मूर्ति होती है। बिल्कुल, 290 ग्राम्स वेट की है। ओके, इसमें लाइट वेट से लेके हैवी वेट सारा मिल जाएगा। ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे डिजाइन मिल जाते हैं। अभी हमने आपको ये मुकुट दिखाया था, और ये पे आपको क्या बोलते हैं, ये कुछ इस तरीके से ट्री टाइप दिखाए थे, ये बहुत ही प्यारी लग रही है मैम। आगे की तरफ में चलते हैं। अच्छा ये कुछ कलरफुल के अंदर इनके बारे में बताएं प्लीज, जरा ये ऐसा कलरफुल क्यों? ये कलर इसलिए इन्हें होलो मूर्ति बोलते हैं, इसमें नकाशी का काम होता है, मीने का काम होता है खाली, ये देखिए। ओके, ये एमरल्ड मूर्ति कहते हैं, एमरल्ड लुक देता है ये सारा, और इसमें आप जो फेस की कटिंग देखोगे, जो फेस की उनकी स्माइल देखोगे ना, वो आपको किसी मूर्ति में नहीं मिलेगी कहीं। ओके, बहुत सुंदर दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलेगी, ये सारे सारे भगवानों की मिल जाएगी यहाँ पर। और अब आते हैं ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल मतलब विदाउट कलर वाली एकदम, बताएं। ओके, ये शीट के अंदर में सारी सारी लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मिल रही है इनके पास में। जैसे मैंने आपको ये हॉलो मूर्ति दिखाई थी, तो हॉलो में आप ऐसे इसको बॉक्स में करके किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। जी मैम, बहुत सुंदर, ये जैसे कि देख पा रहे हैं ये सारे के सारे इसके अंदर में यहाँ पर ही आपको मिल जाती है, बहुत ही प्यारी प्यारी मैम इनकी क्वालिटी लग रही है। ये बड़े से लेकर छोटे तक सब में मिलने वाली है हमारे व्यूअर्स के लिए। ये ठोस के अंदर है, क्या बात है, हैवी, एक बार दिखाएंगे कभी। 441 ग्राम्स की है ये। जी मैम, इसके बारे में बता दें। ये सारी मूर्तियाँ ये कोल्हापुर की मूर्ति है, कोल्हापुर से बनकर आती है। ओके, ये भी मतलब अंदर से खोखली है? जी यस, अंदर से। ओके, ये भी अंदर से खोखली टाइप मिलेगी, जैसे कि देख पा रहे हैं ठोस नहीं रहेगी ये। जी, और ये सारी ऐसी रहेगी है? जी यस, ये सारी ऐसी रहेगी। पीछे से भी दिखा, ये शीट है, ये शीट वाली टाइप की है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं माता की। इसमें आपको शेरावाली माता, राधा कृष्ण जी, ये शिव परिवार, जी जी, विष्णु लक्ष्मी, राम दरबार, मूर्ति में सारी वैरायटी, सारे मतलब भगवान हमारे पास मिल जाएंगे, और वो भी छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक सब चीज। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत सुंदर। साथ ही साथ में दोस्तों आप देखेंगे भैया इनके पास में कुछ इस तरीके से ये आपको मिल जाता है मुकुट। मुकुट नहीं, एक्चुअली सहरा है ये। ओके, ये सहरा है, ये शादी में जो सहरा पहनते हैं जेंट्स, वो है ये। बहुत सुंदर, इसमें क्या साइजेस भी होते हैं कुछ? इसमें कोई साइज नहीं होता, इसमें डिजाइनिंग की अलग अलग होता है, ये डिजाइनिंग इसके अंदर में अलग अलग होती है। और कुछ दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, या साथ में हमें हमारे व्यूवर्स को लास्ट में ये और बताएं, कोई आपसे डील करना चाहता हो तो किस तरीके से कर सकता है? आप हमारे पास से ऑनलाइन भी छाट सकते हो, ऑनलाइन का ऑर्डर का रहेगा मिनिमम 50,000, यानी आप 50,000 की शॉपिंग करेंगे तो हम आपके घर पे पार्सल पहुंचा सकते हैं। ओके, जी, अगर आपको यहाँ पे हमारे पास आके लेना है तो आप एक पायल, एक जोड़ी बिछिया, आप जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, वो भी होलसेल के रेट पर। ठीक है, अपना एड्रेस क्या रहता है, मेरे को बता दीजिएगा प्लीज। एड्रेस हमारा ये चांदनी चौक में हमारा शोरूम है, श्वेता ऑर्नामेंट्स के नाम से। जी, नियर बाय मेट्रो गेट नंबर 1 पड़ेगा चांदनी चौक का। ठीक है, उसके बाद आप कूचा माजनी आइए, कूचा माजनी में लिफ्ट वाली बिल्डिंग 2nd फ्लोर है। ओके, 1167/1094 बिल्डिंग का नंबर है। ठीक है, हम लास्ट में कुछ और हमारे व्यूअर्स को कहना चाहते हो कह सकते हैं, फिर हम वीडियो को विराम करते हैं। हमारे शोरूम पे जरूर एक बार विजिट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम।